नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ में। 19,97,000 से ज़्यादा वोटर अलीगढ़ में मौजूद हैं। 1957 में सियासत में आई लोकसभा अलीगढ़ में अब चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंचने में मैं चंद घंटे बकाया हैं। अलीगढ़ की जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो पूरा मतदान है वो मतपेटिकाओं में कैद हो जाएगा। ईवीएम मशीन में वोट कैद हो जाएंगे, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। 2121 बूथों पर वोटरों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। लगातार आईजी अलीगढ़ सलभ माथुर व मंडलायुक्त अलीगढ़ के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। अलग अलग बूथों पर जाकर उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 11 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और 3 प्रत्याशी पार्टी से मैदान में हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से हितेंद्र उपाध्याय और बंटी भैया मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोबार के सांसद सतीश गौतम को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। मंडलायुक्त अलीगढ़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम मौजूद है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? सुरक्षा के प्रबंधन आप जैसे देख ही रहे हैं, चकाचक है, शांतिपूर्वक मतदान चल रही है पूरे जनपद में। आज कुछ जगह पर वोटिंग मशीन जो है वो बंद वगैरह पाई गई है। वो फर्स्ट आवर में थोड़ा बहुत ईवीएम्स के सेटिंग के दौरान तकनीक त्रुटियाँ आ सकती है, उसी समय उसको ठीक करा करके मतदान चालू कर दिया गया। आईजी अलीगढ़ सलभ माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो अलीगढ़ में किए जा रहे हैं, लगातार तमाम तरह की व्यवस्थाओं का दौरा सर के द्वारा किया जा रहा है, सर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वगैरह है? हाँ, यहाँ पर पैरा मिलिट्री भी है, पीएससी भी है, बाहर जिलों से आई फोर्स भी है, क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, थाने के अतिरिक्त मोबाइल, सभी जगह वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील हैं। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं और कहीं से भी कोई भी अप्रिय सूचना कहीं से किसी तरह की नहीं। सर लगातार जो आपके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई भी सूचना कहीं से आई है? नहीं, कहीं से कोई भी सूचना नहीं है और बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान अभी तक चल रहा है। ये 4 से जो 6 बजे तक का टाइम होता है, इसमें जनरली पोलिंग की संभावना है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो इस टाइम पे परसेंटेज बढ़ेगा, तो पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी उन्हें पुनः एक बार अलर्ट करके सेंसिटाइज किया जा रहा है। ये थे आईजी अलीगढ़ जो है सलभ माथुर साहब, जिनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कड़ी व्यवस्था की जा रही है। लगातार सर के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, अलग अलग बूथों पर जाकर चेकिंग की जा रही है। साथ ही जो अधीनस्थ हैं उन्हें कड़ी चेतावनी दी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनाई जा सके। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।